नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पिछले कई सारे वीडियो से हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर प्रश्नों की एक श्रृंखला कर रहे हैं। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए सवाल करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर। तो देखिए भाई, इस श्रृंखला में आज का पहला सवाल क्या है। चलिए भाई, तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कितनी बार बन सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है एक बार, ऑप्शन बी है दो बार, ऑप्शन सी है तीन बार और ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं है। अब होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में यूएसए का एग्जाम्पल आ जाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जाम्पल आ जाता है, और उनको लगता है कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल दो बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसी प्रकार से भारत में भी ऐसा कोई प्रावधान होगा और कोई व्यक्ति दो बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रपति पद को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि भाई आप दो बार बन सकते हैं, कि तीन बार बन सकते हैं, कि आप चार बार बन सकते हैं। भारत में किसी व्यक्ति के भारत का राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है। अब इसमें कौन सा आर्टिकल लगता है, इसमें आर्टिकल लगता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 57, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अर्थात कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या पद धारण कर चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों या उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है या राष्ट्रपति का पद धारण करता है, वो दोबारा भी चुना जा सकता है। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा गया है कि कोई व्यक्ति केवल एक बार चुना जा सकता है, क्या ऐसा कुछ लिखा गया कोई व्यक्ति दो बार चुना जा सकता है, यानी कि ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हमारे चलिए मन में ये डाउट तो क्लियर हो गया कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि यहाँ पर क्या कोई अधिकतम आयु है, तो ऐसी किसी अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कंडीशन क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा और क्या कहा गया है, कहा गया है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अर्हित होना चाहिए। तो अगर आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, और ऐसा कितनी बार भी बन सकते हैं। तो दूसरा सवाल ये है, क्या उपराष्ट्रपति को लेकर ऐसी कोई लिमिटेशन है, तो उपराष्ट्रपति को भी ऐसी कोई लेकर कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी कोई लिमिटेशन है, तो प्रधानमंत्री को लेकर भी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या भारत में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, क्या इन पदों को लेकर ऐसी कोई लिमिटेशन है, यहां पर भी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या राज्यपाल को लेकर कोई लिमिटेशन है, नहीं है। क्या मुख्यमंत्री को लेकर कोई लिमिटेशन है, नहीं है। क्या यहां पर केंद्रीय मंत्री के पद पर लेकर कोई लिमिटेशन है, नहीं है। अर्थात भारत में जो हम राजनीतिक पद देख रहे हैं वहां पर इस प्रकार से किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं लगाया गया है कि आप दो बार बन सकते हैं, तीन बार बन सकते हैं, कि चार बार बन सकते हैं, यानी कि जब तक संभव हो सकता है तब तक आप पद धारित कर सकते हैं। अब आपको लगेगा ये तो गलत है भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अमेरिका का सिस्टम बड़ा सही है, वहां तो केवल दो बार बनने की यहाँ पर कुल मिला के छूट दी गई है, और भारत में आप कितनी बार भी बन सकते हैं। तो जानते हैं गलत नहीं है, भारत में किस पर विलीव किया गया है, भारत में जो विलीव किया गया है वो भारत की जनता की इच्छा पर विलीव किया गया है। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो विलीव किया है वो भारतीय लोगों के, यानी कि भारतीय लोगों की इच्छा पर यकीन किया है कि भारतीय लोग किस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, कितनी बार चुनना चाहते हैं। तो डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड भारत की जनता पर करता है, उनकी इच्छा पर करता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन चुका हो दो बार, तो भाई साहब इस हिसाब से तो तीसरी बार नहीं बन पाएगा, अगर मान लीजिए दो बार का प्रावधान होता तो। लेकिन भारत में क्या है, अगर भारत की जनता की इच्छा है तो व्यक्ति तीसरी बार भी बन सकता है, चौथी बार भी बन सकता है, पांचवीं बार भी बन सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री का सिस्टम है, वो दो बार भी बन सकते हैं, तीन बार भी बन सकते हैं, चार बार भी बन सकते हैं, पांच बार भी बन सकते हैं। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं की एक जो है आपको क्या दिखाई देगी, एक दूरदर्शिता दिखाई देगी, जहां पर उन्होंने ये माना कि भारतीय लोगों की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है, और इस इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उनके ऊपर ये डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया गया कि वो किसी व्यक्ति को एक बार चुनना चाहते हैं, दो बार चुनना चाहते हैं, तीन बार चुनना चाहते हैं, चार बार चुनना चाहते हैं, पांच बार चुनना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा
सर जी, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता का तो पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है, तो जनता कहाँ चुन रही है यहाँ पर। एक्चुअल में होता ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। एकदम सही है, लेकिन पार्टिसिपेट कौन करता है? जनप्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जनप्रतिनिधि किसकी इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं? ये जनप्रतिनिधि भारत की जनता की इच्छा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो उनकी इच्छा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो भारत की जनता अगली बार उनको चुनकर भेजेगी नहीं। यानी कि संविधान निर्माता किस पर यकीन कर रहे हैं? संविधान निर्माताओं ने जो यकीन किया वो भारतीय जनता की इच्छा पर यकीन किया। तो चले भाई इस प्रकार के और क्वेश्चन करें। चलिए अब इस प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने दूसरा, भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी है 54, ऑप्शन सी है 58 और ऑप्शन डी है 57। यानी कि आपसे ये पूछा गया है भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अब जब हम आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो 52 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जब हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं तो आर्टिकल 54 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिखा गया है। कहा गया है कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें बताया गया कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी विधानसभा के यहाँ पर निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अलावा आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 जो है राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी को बताता है, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इसके अलावा ये भी कहा गया है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अर्हित होना चाहिए। और वहीं अगर हम आर्टिकल 57 की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है या रह चुका है तो वह दोबारा से सक्षम है भारत का राष्ट्रपति बनने में, तो क्या किया जा सकता है? उसका राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। यही तो कहा गया, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुनर्निर्वाचन संभव नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन केवल एक बार संभव है। तो सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने डिस्कस किया भारत में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो राष्ट्रपति बनने के बाद पुनर्निर्वाचन संभव नहीं है गलत है। राष्ट्रपति बनने के बाद पुनर्निर्वाचन संभव है और ये कितनी बार भी संभव है। किस आर्टिकल को रेफरेंस लेते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 इसका रेफरेंस है। तो यदि कोई व्यक्ति एक बार भारत का राष्ट्रपति बन चुका है तो ऐसे में वो दोबारा भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और ऐसा कितनी बार भी संभव हो सकता है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन केवल एक बार संभव है। भैया कितनी बार भी संभव है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका डी। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने चौथा, कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कितनी बार बन सकता है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी दो बार, ऑप्शन सी तीन बार, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। अब आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया कि भारत में चाहे राष्ट्रपति पद की बात कर लीजिए, उपराष्ट्रपति की बात कर लीजिए, राज्यपाल की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कर लीजिए, राज्यसभा के उपसभापति की बात कर लीजिए, केंद्रीय मंत्री की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, राज्य के मंत्री की बात कर लीजिए, यानी कि भारत में इन सभी पदों पर आपको कोई लिमिटेशन दिखाई नहीं देती है। इन पदों पर कोई व्यक्ति कितनी बार भी आसीन हो सकता है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पर पीएम हो जाए तब भी आंसर यही होने वाला है, यहाँ पर अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो जाए तब भी आंसर डी होने वाला है। यानी कि भारत में राजनीतिक पदों पर व्यक्तियों को बैठना जनता की इच्छा पर निर्भर करता
करता है। तो भारत में किसको सर्वोपरि माना गया है? भारत में जनता की इच्छा को सर्वोपरि माना गया है और इस प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार में कोई आपको सीमा दिखाई नहीं देगी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ और क्वेश्चन संख्या है हमारे सामने पांचवा। उपराष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के संबंध में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति बनने के बाद पुनर्निर्वाचन संभव है, उपराष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। अब सवाल को ध्यान से पढ़िए, हमको ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पुनर्निर्वाचन संभव है, क्यों भाई? बिल्कुल संभव है। जैसे राष्ट्रपति बनने के बाद पुनर्निर्वाचन संभव है, वैसे उपराष्ट्रपति बनने के बाद पुनर्निर्वाचन संभव है। पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, उपराष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद पर किसी व्यक्ति को आने के लिए यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई व्यक्ति एक बार भी निर्वाचित हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है, चार बार भी हो सकता है, यानी कि जब तक उसे चुना जा सकता है तब तक वो चुना जा पाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई व्यक्ति दो बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार चाहे भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन वास्तव में डिपेंड किस पर करेगा? डिपेंड करेगा निर्वाचन पर, क्या उसको चुनकर भेजा जा रहा है कि नहीं। अगर उसको चुनकर भेजा जाएगा तो बिल्कुल वो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। तो आपको ओवरऑल इंडियन पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट नजर आया, ओवरऑल इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब हम भारत के राजनीतिक पदों की बात करते हैं, चाहे केंद्र स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर, उन राजनीतिक पदों पर लोगों के बैठने पर किसी प्रकार की संख्यात्मक प्रतिबंध नहीं है, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो अपने पद पर तब तक बैठ सकते हैं जब तक क्या किया जाता रहेगा, जब तक उनको चुना जाता रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल आपके लिए कभी भी परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।